हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी वर ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर। हम पढ़ चुके थे टीपी, डब्ल्यूपी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ चुके थे। ओपी क्या होता है, ओपी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ओपी के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ कि होता क्या है यहाँ पर, कि दो, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, मैं सबसे पहले यही चीज़ समझा चुकी हूँ आपको कि दो सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी हुई है, ए सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी, ठीक है। अब एक जगह क्या होगा कि एक इस बी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर क्या भरा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन अगर हम बात करें, शुगर सॉल्यूशन, और यहाँ पर क्या है, प्योर वाटर है, ठीक है, जिसको कि हम सॉल्वेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वाटर है और यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, दोनों के बीच में कॉन्सेंट्रेशन का लेवल क्या है, डिफरेंट है या नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई होता है, जिससे क्या होता है, वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मोमेंट करता है। मतलब वाटर जब हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मोमेंट करेगा तो एक प्रेशर डेवलप होगा, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, ओपी बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, क्लियर है। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं ओपी, टीपी एंड डब्ल्यूपी। अब हम बात करते हैं डीपीडी के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम ओपी जो है उसको डिफ्यूजन प्रेशर भी बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन भी सेम ही है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर। तो डिफ्यूजन प्रेशर में भी क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, किसका, वाटर का, तो ये क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर। तो आपको पता है कि जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर, उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, हाईएस्ट होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि वही क्या करेगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मोमेंट करेगा। तो प्योर वाटर का जो डिफ्यूजन प्रेशर होता है, प्योर वाटर का, मैं इसको रब कर देती हूँ, प्योर वाटर का, फॉर प्योर वाटर डीपी इज मैक्सिमम, डीपी कैसा है, मैक्सिमम है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम अगर बात करें, प्योर वाटर है, प्योर वाटर, और एक क्या है, शुगर सॉल्यूशन ले लो आप, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर वाटर, मान लीजिए कि प्योर वाटर का जो हमारे पास डीपी है वो कितना है, 100 बार है, और यहाँ पर शुगर का कितना है, 60 बार है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस सॉल्यूशन और इस सॉल्यूशन के बीच में एक डिफरेंस है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बीच में क्या है, एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट, क्या कहलाएगा, डिफ्यूज़न प्रेशर डिफिसिट, डिफिसिट मतलब डिफरेंस, ठीक है, कमी। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या है, कुछ ना कुछ कमी है, और वो कमी हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, प्योर वाटर से। तो प्योर वाटर से अगर हम किसी भी सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर या डिफ्यूजन प्रेशर के बारे में कंपैरिजन करें तो हम उसी को ही क्या बोलेंगे, डीपीडी, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, क्लियर हुआ कुछ कुछ। अब हम बात करते हैं प्योर वाटर की, हम मैक्सिमम मानेंगे प्योर वाटर, इसीलिए हम इसका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, प्योर वाटर से कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि उसका डीपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो अब हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में, डीपी के बारे में पढ़ चुके हैं, डीपीडी के बारे में पढ़ चुके हैं, टीपी के बारे में, डब्ल्यूपी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या है, बहुत सारे प्रेशर तो अपन ने पढ़ लिए, लेकिन रिलेशन क्या है, क्या रिलेशन है इनके बीच में। तो रिलेशन की अगर हम बात करें तो जो डीपीडी है, सोचो डीपीडी जो है वो, उसमें वाटर का मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा, डीपीडी का मोमेंट। अब देखो जो ये प्योर वाटर है, क्या इसमें डीपीडी है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट, क्या कोई कमी है इसमें, डिफिसिट है क्या, डिफरेंस है क्या, नहीं है। तो डिफिसिट जितना कम होगा, और यहाँ पर डिफिसिट ज़्यादा है, तो वाटर का मोमेंट कहाँ से कहाँ होगा, लोअर डीपीडी टू, लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी, किसका मोमेंट, वाटर मोमेंट, वाटर मोमेंट, लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी,
क्लियर है आपको? ठीक है, अब हम यहाँ पर रिलेशन देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर डीपीडी किसके बारे में बात कर रहे हैं, फ्लैसिड कंडीशन, ये आपका धूम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्लैसिड कंडीशन, फ्लैसिड कंडीशन। फ्लैसिड कंडीशन क्या होती है कि फ्लैसिड कंडीशन में मतलब हमारे पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन है और उसमें एक क्या रखी हुई है, सेल रखी हुई है। ये फ्लैसिड मतलब होता है, फ्लैसिड जो सेल का मतलब होता है जितना वाटर अंदर आ रहा है उतना ही वाटर क्या हो रहा है, बाहर भी जा रहा है। जितना वाटर अंदर आ रहा है उतना ही वाटर बाहर भी जा रहा है। इसका मतलब जो वाटर है इसके अंदर का जो वाटर है वो दीवारों के ऊपर क्या नहीं लगा रहा, प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, क्योंकि उसके अंदर इतना वाटर है ही नहीं, बाहर निकल रहा है वाटर। तो इसलिए हम अगर हम बात करें रिलेशन, देखो डी पी डी और जो डी पी डी इज इक्वल टू ओ पी माइनस टी पी, ये आपको लर्न करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि टी पी इस वाली सेल में, फ्लैसिड सेल में टी पी तो है ही नहीं, क्योंकि टी पी जितना वाटर अंदर आ रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। अगर इसके अंदर रुकता तो ये वॉल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करता, तो टी पी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। टी पी क्या हो गया, ज़ीरो। तो डी पी डी इज इक्वल टू ओ पी, किसके लिए, फॉर द फ्लैसिड सेल। ठीक है, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट, हाइपोथेसिस ऑफ द वाटर पोटेंशियल। यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई पूरी तरीके से, आपको ये अब समझ में आ गई होगी कि हम फ्लैसिड सेल के बारे में बात कर रहे हैं या हम और डी पी के बारे में बात कर रहे हैं, डी पी डी के बारे में बात कर रहे हैं, टी पी और ओ पी के बारे में बात कर रहे हैं, डब्ल्यू पी के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, डब्ल्यू पी तो आपको पता ही लग गया, वो डायग्राम के थ्रू मैंने समझा दिया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अच्छा टर्जिड सेल की भी बात कर लेते हैं। टर्जिड सेल रह गई यहाँ पर हमारी, टर्जिड सेल। टर्जिड सेल क्या होती है, पूरी तरीके से जो फुल है, किस क्या क्या है उसमें, ऐसी सेल जिसमें वाटर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, पूरी तरीके से फुल हो रखी है वो वाटर से, बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, वाटर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब वाटर बहुत ज़्यादा है तो ओ पी जो है, ओ पी वाटर बाहर से क्या कर रहा है, अंदर आता जा रहा है, और ये क्या कर रहा है, यही चीज़ क्या कर रही है, प्रेशर अप्लाई कर रही है। जितना वाटर अंदर आ रहा है वो वॉल के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो ओ पी इज इक्वल टू टी पी, ओ पी क्या है, टी पी, ओ पी बराबर हो गया है टी पी के। और हमारे पास डी पी टी इज इक्वल टू क्या था, डी पी टी इज इक्वल टू ओ पी माइनस टी पी। तो जब ये दोनों बराबर है, ठीक है, मान लीजिए ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो 5 माइनस 5 क्या हो गया, 0, तो डी पी डी क्या हो गया, 0। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फ्लैसिड सेल भी पढ़ लिया हमने, टर्जिड सेल भी पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस ऑफ द वाटर पोटेंशियल। हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल के लिए आपको यहाँ पर दो चीज़ें समझनी जरूरी है कि यहाँ पर अगर प्योर सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन, अगेन वी आर टेकिंग टू सॉल्यूशंस, वन इज़ हैविंग प्योर सॉल्वेंट मीन्स वाटर, प्योर वाटर, एंड अनदर सेक्शन इज हैविंग सॉल्ट सॉल्यूशन। आपको पता है प्योर वाटर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे, ये देखो ये वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये पूरी तरीके से फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं, हर डायरेक्शन में कर सकते हैं, यानी किसी भी डायरेक्शन में, इनको कोई बैरियर नहीं मिल रहा है। लेकिन इसमें जाओ यहाँ पर कि यहाँ पर वाटर प्लस सॉल्यूट, तो ये हर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि जिस भी डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेंगे इनको क्या मिलेगा, सॉल्यूट मिलेगा।
मिलेगा या नहीं। मान लीजिए सॉल्ट में Na+ भी मिल सकता है और Cl- में मिल सकता है, तो वाटर जो है वो इनसे घिरा हुआ हो सकता है, ये वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर Na इसको बैरियर कर रहा है, इस डायरेक्शन में इनका मोमेंट नहीं होगा, और लेकिन इसका मोमेंट क्या हो सकता है, हर डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पर प्योर वाटर की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, जबकि सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्योर सॉल्यूशन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और मोमेंट जो होता है वो हर डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर इसको हम डिनोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी अगर सबसे ज़्यादा है तो उसको हम डिनोट करेंगे किससे, वाटर पोटेंशियल से। वाटर पोटेंशियल जिसको कि हम डिनोट करते हैं साइन से भी। ठीक है, साइन W लिखा है मैंने, तो वाटर पोटेंशियल ऑफ वाटर, जिसका मतलब क्या है कि वाटर कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, इफ़ नो बैरियर इज देयर, मतलब सॉल्यूट है ही नहीं तो वो हर डायरेक्शन में मोमेंट करेगा, जिसको ही हम क्या बोलेंगे, वाटर पोटेंशियल। और वाटर पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये ज़ीरो। मैक्सिमम वैल्यू क्या मान ली गई है, ज़ीरो मान ली गई है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। तो इससे मैक्सिमम वैल्यू, तो मिनिमम कहाँ जाएगी, ज़ीरो से कम ही जाएगी। अगर अपन वो लाइन नंबर लाइन बनाए तो यहाँ पर ज़ीरो है, तो ज़ीरो से छोटा क्या आएगा, माइनस में आएगा, -1, -2, -3, और ज़ीरो से बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है, ज़ीरो ही है। ठीक है, तो हमारी अगर इससे कम वैल्यू होती है, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू अगर कम है तो वो किस में जाएगी, माइनस में जाएगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।